हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म्स की जानकारी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है जिसको कई सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है जिससे इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होता है। दोस्तों, अगर इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो इसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिसमें है अजिथ्रोल टैबलेट, अजिसिप टैबलेट, एटीएम टैबलेट और इसके अलावा जेनरिक नेम अजिथ्रोमाइसिन के नाम से भी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में खराश, टॉन्सिल बढ़ना, निमोनिया, इन सभी में यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन को कई सारे स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन जिसमें मरीज के कान में सूजन हो जाती है, कान में दर्द रहता है, तो इन कंडीशन में भी यह टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा आई इन्फेक्शन जिसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों में दर्द रहना, आंखों से पानी निकलना, इन कंडीशन में भी यह दवा दी जाती है। और दोस्तों, अजिथ्रोमाइसिन को एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसमें गोनेरिया और महिलाओं के वजाइनल इन्फेक्शन तथा वजाइनल डिस्चार्ज इत्यादि समस्या में भी यह दवा दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में। दोस्तों, यह टैबलेट हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। दोस्तों, यह टैबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है जिसमें 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम शामिल है। अगर बात करें 250 मिलीग्राम टैबलेट की तो अडल्ट व्यक्ति में एक एक गोली दो टाइम सुबह शाम 3 से 5 दिन तक दी जाती है। अगर बात करें 500 मिलीग्राम टैबलेट की तो अडल्ट व्यक्ति में दिन में एक टैबलेट 3 से 5 दिन तक दी जाती है। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इससे नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह और इसके अलावा साइड इफेक्ट हो तो आपके डॉक्टर को संपर्क करें। अगर किसी को किडनी डिसीज या फिर लिवर डिसीज है तो उसे यह दवा नहीं दी जाती। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।